आप सभी युवा साथियों को फाउंडेशन कोर्स पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई। आज होली का त्योहार है, मैं समस्त देशवासियों को आपको एकेडमी के लोगों को और आपके परिवारों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज आपकी एकेडमी सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित पोस्टल सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। आज नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और हैप्पी वैली कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी हुआ है। ये सुविधाएं टीम स्पिरिट की, हेल्थ और फिटनेस की भावना को सशक्त करेगी, सिविल सेवा को और स्मार्ट और एफिशिएंट बनाने में मदद करेगी। साथियों, बीते वर्षों में मैंने अनेकों बैचेज के सिविल सर्वेंट से बात की है, मुलाकात भी की है और उनके साथ मैंने एक लंबा समय भी गुजारा है, लेकिन आपका जो बैच है ना, मेरी दृष्टि से बहुत स्पेशल है। आप भारत की आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत महोत्सव के समय अपना काम शुरू कर रहे हैं। हम में से बहुत से लोग उस समय नहीं होंगे जब भारत अपनी आजादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा, लेकिन आपका ये बैच उस समय भी रहेगा, आप भी रहेंगे। आजादी के इस अमृत काल में अगले 25 साल में देश जितना विकास करेगा, उन सब में आपकी इस टोली की, आपकी इस टीम की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। साथियों, 21वीं सदी के जिस मुकाम पर आज भारत है, पूरी दुनिया की नजरें आज हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। कोरोना ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं, उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है और तेज गति से अपना विकास भी करना है। बीते 75 वर्षों में हमने जिस गति से प्रगति की है, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। आने वाले वर्षों में आप कहीं किसी जिले को संभाल रहे होंगे, किसी के विभाग को संभालते रहे होंगे, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी निगरानी में चल रहा होगा, कहीं आप पॉलिसी लेवल पर अपने सुझाव दे रहे होंगे। इन सारे कामों में आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है और वो है 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य। ये लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, आधुनिक भारत का।
इस समय को हमें खोना नहीं है और इसलिए आज मैं आपके बीच बहुत सारी अपेक्षाएं लेकर आया हूं। ये अपेक्षाएं आपके व्यक्तित्व से भी जुड़ी हैं और आपके कर्तृत्व से भी जुड़ी हुई है, आपके काम करने के तौर तरीकों से भी, वर्क कल्चर से भी जुड़ी हुई है। और इसलिए मैं शुरुआत करता हूं कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके व्यक्तित्व के लिए हो सकता है कुछ काम आ जाए। साथियों, ट्रेनिंग के दौरान आपको सरदार पटेल जी के विजन, उनके विचारों से अवगत कराया गया है। सेवा भाव और कर्तव्य भाव, इन दोनों का महत्व आपकी ट्रेनिंग का अभिन्न हिस्सा रहा है। आप जितने वर्ष भी इस सेवा में रहेंगे, आपकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल सफलता का पैमाना यही फैक्टर रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेवा भाव कम हो रहा है, कर्तव्य भाव कम हो रहा है? ये बात, ये सवाल हर बार खुद को पूछना चाहिए, इवैल्यूएशन करना चाहिए। और कहीं इस लक्ष्य को हम ओझल होते तो नहीं देख रहे हैं? हमेशा इस लक्ष्य को सामने रखिएगा। इसमें न डाइवर्जन आना चाहिए और न ही डाइल्यूजन आना चाहिए। ये हम सब ने देखा है कि जिस किसी में सेवा भाव कम हुआ, जिस किसी पर सत्ता भाव हावी हुआ, वो व्यक्ति हो या व्यवस्था, उसका बहुत नुकसान होता है। किसी का जल्दी हो जाए, किसी का देर से हो जाए, लेकिन नुकसान होना तय है। साथियों, एक आपको एक और बात मैं समझता हूं शायद काम आ सकती है। जब हम सेंस ऑफ ड्यूटी और सेंस ऑफ पर्पज के साथ काम करते हैं तो कभी भी कोई काम हमें बोझ नहीं लगता है। आप भी यहां एक सेंस ऑफ पर्पज के साथ आए हैं। आप समाज के लिए, देश के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बनने आए हैं। आदेश देकर काम कराने और दूसरों को कर्तव्य बोध से प्रेरित करके, इन दोनों में काम करवाने के, इन दोनों तरीकों में आसमान जमीन का अंतर होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, मैं समझता हूं, जो आपको खुद में विकसित करनी होगी। टीम स्पिरिट के लिए एक अनिवार्यता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं है, इसे करना बहुत जरूरी है। साथियों, अब से कुछ महीने बाद ही आप लोग फील्ड में काम करने जाएंगे, अपने आगे के जीवन को, और उसमें आपको फाइलों और फील्ड का फर्क समझते हुए ही काम करना होगा। फाइलों में आपको असली फील नहीं मिलेगी, फील्ड के लिए आपको फील्ड से जुड़े रहना ही होगा। और मेरी ये बात
आप जीवन भर याद रखिएगा कि फाइलों में जो आंकड़े होते हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, हर एक आंकड़ा, हर एक नंबर एक जीवन होता है, उस जीवन के कुछ सपने होते हैं, उस जीवन की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उस जीवन के सामने कुछ कठिनाइयां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, और इसलिए आपको नंबर के लिए नहीं, हर एक जीवन के लिए काम करना है। मैं आपके सामने मेरे मन की एक भावना और भी रखना चाहता हूं, और यह मंत्र आपको निर्णय लेने का साहस भी देगा, और इसे फॉलो करेंगे तो आपसे गलती होने की संभावना भी कम होगी। साथियों, आप जहां भी जाएंगे आप में एक उत्साह होगा, उमंग होगा, कुछ नया करने का जज्बा होगा, बहुत कुछ होगा, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं इसको बदलूं, मैं उठा के पटक के दूं, सब कुछ होगा मन में। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐसा मन में जब भी विचार आएगा हाँ ये ठीक नहीं है, बदला होना चाहिए, तो आप बरसों पहले की अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं दिखेगी, अनेकों नियम कायदे मिलेंगे जो आपको इरेलेवेंट लगते होंगे, पसंद नहीं आते होंगे, आपको लगता है ये सब बोझ है और वो सब गलत होगा, ऐसा मैं नहीं कहता, नहीं होगा। आपके पास पावर होगा तो मन करेगा नहीं ये करो, वो नहीं, दिखना करो, फलाना नहीं फलाना करो, ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ कुछ पल सोच करके मैं एक रास्ता दिखाता हूं, उस पर चल सकते हैं क्या? एक सलाह मैं देना चाहता हूं, वो व्यवस्था क्यों बनी या वो नियम क्यों बना, किन परिस्थितियों में बना, किस साल में बना, तब के हालात क्या थे, फाइल के एक एक शब्द को, उस सिचुएशन को आप विजुलाइज कीजिए, 20 साल, 50 साल, 100 साल पहले क्यों बना होगा, उसके रूट कॉज को जरूर समझने की कोशिश कीजिए, और फिर सोचिए उसका, यानी पूरी तरह स्टडी करिएगा कि जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होगा, कोई सोच होगी, कोई रिक्वायरमेंट होगी। इस बात की तह तक जाइएगा कि जब वो नियम बनाया गया था तो उसके पीछे की वजह क्या थी। जब आप अध्ययन करेंगे, किसी समस्या के रूट कॉज तक जाएंगे, तो फिर आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। हड़बड़ी में की हुई बातें तत्कालीन तो ठीक लगेगी लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। और इन सारी चीजों की गहराई में जाने से आपका उस क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरी पकड़ आ जाएगी, और इतना कुछ करने के बाद जब आपको निर्णय लेना हो तो फिर एक बात और याद रखिएगा, महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि अगर आपके निर्णय से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ होगा तो फिर आप उस निर्णय को लेने में संकोच मत करिएगा। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, आप जो भी निर्णय करें, जो भी व्यवस्था परिवर्तन करें, ये पूरे भारत के संदर्भ में अवश्य सोचें, क्योंकि हम ऑल इंडिया सिविल सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे दिमाग में निर्णय भले लोकल होगा लेकिन सपना समग्र देश का होगा। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है।
इसलिए ही आज का भारत सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। आपको भी अपने प्रयासों के बीच ये समझना होगा कि सबका प्रयास, सबकी भागीदारी की ताकत क्या होती है। अपने कार्यों में आप जितना ज्यादा, व्यवस्था में जितने विभाग है सबको जोड़ करके प्रयास करें, हर मुलाजिम को जोड़ करके प्रयास करें, तो वो तो एक पहला दायरा हो गया, पहला सर्कल हो गया। लेकिन बड़ा सर्कल सामाजिक संगठनों को जोड़े, फिर जन सामान्य को जोड़े, एक प्रकार से सबका प्रयास, समाज का आखिरी व्यक्ति भी आपके प्रयासों का हिस्सा होना चाहिए, उसकी ओनरशिप होनी चाहिए। और अगर ये काम आप करते हैं तो आप कल्पना नहीं करेंगे उतनी आपकी ताकत बढ़ जाएगी। अब जैसे सोच लीजिए, किसी बड़े शहर का एक हमारे यहां कोई नगर निगम है, वहां उसके पास अनेक सफाई कर्मचारी होते हैं और वो इतना परिश्रम भी करते हैं, वो भी शहर को स्वच्छ रखने के लिए जी जान से लगे रहते हैं। लेकिन उनके प्रयासों के साथ हर परिवार जुड़ जाए, हर नागरिक जुड़ जाए, गंदगी न होने देने का संकल्प जन आंदोलन बन जाए, तो मुझे बताइए कि उन सफाई करने वाले लोगों के लिए भी ये हर दिन एक उत्सव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। जो परिणाम मिलते हैं वो अनेक गुना बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? क्यों? कि सबका प्रयास एक सकारात्मक परिणाम आता है। जब जन भागीदारी होती है तब एक और एक मिलकर दो नहीं बनते, बल्कि एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। साथियों, आज मैं आपको एक और टास्क भी देना चाहता हूं। ये टास्क आपके अपने पूरे करियर भर करते रहना चाहिए, एक प्रकार से उसको आपके जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, आदत बना देना चाहिए। और मैं संस्कार की मेरी सीधी सीधी परिभाषा यही है कि प्रयत्न पूर्वक विकसित की गई अच्छी आदत, इसका मतलब है संस्कार। आप जहां भी काम करें, जिस भी जिले में काम करें, आप मन में तय करिए कि इस जिले में इतनी सारी मुसीबतें हैं, इतनी कठिनाई हैं, जहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच रहा था, तो आपका एनालिसिस होगा। आपके मन में ये भी आएगा, पुराने लोगों ने पता नहीं ये क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, सब होगा। क्या आप खुद उस क्षेत्र में, जो भी आपको कार्यक्षेत्र मिले, छोटा हो या बड़ा हो, आप ये तय कर सकते हैं कि जो 5 चैलेंजेज हैं मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, और ऐसी चुनौतियां जो उस क्षेत्र के लोगों को जीवन को मुश्किल बनाती है, उनके विकास में बाधा बनकर खड़ी है, लोकल लेवल पर आपके द्वारा इनका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। और ये जरूरी क्यों है ये भी मैं बताता हूं। जैसे हम सरकार में आए तो हमने भी ऐसे कई सारे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया था। एक बार चैलेंजेस आइडेंटिफाई हो गए तो फिर हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। अब जैसे आजादी के इतने साल हो गए, क्या गरीबों को पक्का घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक चैलेंज थी, हमने उस चैलेंज को उठाया, हमने उन्हें पक्के घर देने की ठानी और पीएम आवास योजना तेज गति से विस्तार कर दिया गया। देश में ऐसे अनेक जिले बहुत बड़ा चैलेंज थे जो विकास के दौर में दशकों पीछे थे। एक राज्य है काफी आगे है लेकिन 2 जिले बहुत पीछे हैं, एक जिला बहुत आगे है लेकिन 2 ब्लॉक बहुत पीछे हैं। हमने नेशन के रूप में, भारत के रूप में एक विचार किया कि ऐसे जिलों को भी चिन्हित किया जाए और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक अभियान चलाया जाए और उनको राज्य की एवरेज के बराबर लाया जाए, हो सके तो नेशनल एवरेज तक तो ले जाया जाए। इसी तरह एक चैलेंज था गरीबों को बिजली कनेक्शन का,
गैस कनेक्शन का। हमने सौभाग्य योजना शुरू की, उज्ज्वला योजना चलाकर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। आजादी के बाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी सरकार ने योजनाओं को सैचुरेशन की तरफ ले जाने की अनेक प्रकार से बात कही और उसके लिए योजना बनाई है। और इस परिप्रेक्ष्य में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां अलग अलग विभागों में तालमेल की कमी की वजह से परियोजनाएं बरसों बरस अटकती रहती थी। ये भी हमने देखा है कि आज सड़क बनी तो कल टेलीफोन वाले आकर उसे खोद गए, परसों नाली बनाने वालों ने उसमें खोद दिया। कोऑर्डिनेशन के कमी के कारण इस चैलेंज को ठीक करने के लिए हमने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। सभी सरकारी विभागों को, सभी राज्यों को, सभी स्थानीय निकायों को, इस स्टेक होल्डर, हर स्टेक होल्डर को एडवांस में जानकारी हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी जब आप चैलेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो सॉल्यूशन खोजकर उस पर काम करना भी आसान हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी ऐसी 5, 7, 10 जो भी आपको ठीक लगे, ऐसी कौन सी चैलेंजेस है जो उस क्षेत्र के लोगों के लिए, अगर वो मुक्ति बन जाए उस मुसीबतों से तो एक आनंद की लहर छा जाएगी, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ जाएगा, आपके प्रति आदर बढ़ जाएगा और मन में तय किए मेरे कार्यकाल में मैं इस क्षेत्र को इस समस्या से मुक्त करके रहूंगा। और आपने सुना होगा हमारे यहां छात्रों में स्वांतः सुखाय की बात कही गई है। कभी कभी जीवन में अनेक काम करने के बाद भी जितना आनंद नहीं मिलता है, एकाध काम खुद ने तय किया और किया जिसमें स्वतः को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उमंग से भर जाते हैं, कभी थकान नहीं लगती, ऐसा स्वांतः सुखाय, इसकी अनुभूति जब एक चैलेंज, दो चैलेंज, 5 चैलेंज उठा करके उसको पूरी तरह निर्मूल कर देंगे, आपकी पूरी रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए, आपके अनुभव का उपयोग करते हुए, आपके टैलेंट का उपयोग करते हुए, आप देखिए जीवन संतोष से जो आगे बढ़ता है ना, उस चैलेंज के बाद के समाधान से जो संतोष की तीव्रता होती है वो कई गुना सामर्थ्यवान होती है। आपके कार्य भी ऐसे होने चाहिए जो मन को सुकून पहुंचाए और जब उसका लाभार्थी आपको मिले तो लगे हाँ ये साफ थे ना तो मेरा अच्छा काम हो गया। आपको इस क्षेत्र के छोड़ने के 20 साल के बाद भी वहां के लोग याद करें, अरे भाई वो एक साहब आए थे ना अपने इलाके में, ये एक बहुत पुरानी समस्या का समाधान करके गए, बहुत अच्छा काम करके गए। मैं चाहूंगा आप भी ऐसे विषय खोजिएगा जिसमें आप एक क्वालिटेटिव चेंज ला पाए। इसके लिए आपको इंटरनेशनल स्टडीज खंगालनी पड़े तो भी करिएगा, कानून का अध्ययन करना पड़े तो वो करिएगा, टेक्नोलॉजी की मदद लेनी भी पड़ी तो वो भी करिए, उसमें भी पीछे मत आइए। आप सोचिए आप सैकड़ों लोगों की शक्ति देश के अलग अलग जिलों में एक साथ लगेगी, आप 300-400 लोग हैं, यानी देश के आधे जिलों में कहीं न कहीं आपके पैर पड़ने वाले हैं, मतलब आधे हिंदुस्तान में आप एक नई आशा को जन्म दे सकते हैं मिलकर के। कितना बड़ा बदलाव आएगा, आप अकेले नहीं हैं, 400 जिलों में आपकी ये सोच, आपका ये प्रयास, आपका ये कदम, आपका एक इनिशिएटिव आधे हिंदुस्तान पे प्रभावित कर सकता है। साथियों सिविल सेवा के ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर के हमारी सरकार रिफॉर्म से सपोर्ट कर रही है। मिशन कर्मयोगी और आरंभ प्रोग्राम इसका एक हिस्सा है। मुझे बताया गया है कि आपकी एकेडमी में भी
ट्रेनिंग का स्वरूप अब मिशन कर्मयोगी पर आधारित कर दिया गया है। मुझे विश्वास है इसका भी बहुत लाभ आप सभी को मिलेगा। एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, आप ये प्रार्थना जरूर करिएगा कि भविष्य में आपको कोई आसान काम न मिले। मैं देख रहा हूं आपके चेहरे जरा उतर गए मैंने ये कहा तो। आप ऐसी प्रार्थना कीजिए कि आपको कोई आसान काम न मिले। आपको लगेगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, कब ऐसी सलाह दे रहा है। आप हमेशा खोज खाज करके चैलेंजिंग जॉब का इंतजार कीजिए। आज कोशिश कीजिए कि आपको चैलेंजिंग जॉब मिले। चैलेंजिंग जॉब का आनंद ही कुछ और होता है। आप जितना कंफर्ट जोन में जाने के सोचेंगे उतना ही अपनी प्रगति और देश की प्रगति को रोकेंगे। आपके जीवन में ठहराव आ जाएगा। कुछ साल के बाद आपका जीवन ही आपके लिए बोझ बन जाएगा। अभी आयु के उस पड़ाव पर है आप जब आयु आपके साथ है। अभी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सर्वाधिक इस उम्र में होती है। आप जितना पिछले 20 साल में सीखा है उससे ज्यादा आप अगर चैलेंजिंग जॉब से जुड़ेंगे तो अगले 2-4 साल में सीखेंगे। और ये जो सबक आपको मिलेंगे वो अगले 20-25 साल तक आपके काम आएंगे। साथियों, आप भले अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश से हैं, लेकिन आप एक भारत श्रेष्ठ भारत को सशक्त करने वाली कड़ियां भी हैं। मुझे विश्वास है आपका सेवा भाव, आपके व्यक्तित्व की विनम्रता, आपकी ईमानदारी आने वाले वर्षों में आपकी एक अलग पहचान बनाएगी। और साथियों, आप क्षेत्र की तरफ जाने वाले हैं तब मैंने बहुत पहले एक सुझाव दिया था, मुझे मालूम नहीं इस बार हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जब एकेडमी में आते हैं तो आप एक लंबा निबंध लिखिए कि इस फील्ड में आने के पीछे आपकी सोच क्या थी, सपना क्या था, संकल्प क्या था, आप आखिरकार इस धारा में क्यों आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जीवन को इस सेवा के माध्यम से आप कहां पहुंचाना चाहते हैं, आपके सेवा का क्षेत्र है उसको कहां पहुंचा है, उसका एक लंबा ऐसे लिख करके आप एकेडमी को जाइए, क्लाउड में रख दिया जाए उसको। और जब आप 25 साल पूरा करने के बाद, 50 साल पूरा करने के बाद, आपके यहां 50 साल के बाद शायद एक कार्यक्रम होता है हर वर्ष, जो 50 साल जिन्होंने मसूरी छोड़े हुआ होता है वो दोबारा 50 साल के बाद आते हैं, आप 50 साल के बाद, 25 साल के बाद जो पहला ऐसे लिखा है उसको एक बार पढ़ लीजिए, जिन सपनों को लेकर के आए थे, जो लक्ष्य तय करके आए थे, 25 साल के बाद उस ऐसे को फिर पढ़ करके जरा हिसाब लगाइए कि आप सचमुच में जिस काम के लिए चले थे वही दिशा में हैं या कहीं भड़क गए हैं। हो सकता है आपके आज के विचार 20 साल के बाद आप ही के गुरु बन जाए। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप न लिखा हो तो वहां लिख करके ही ये कैंपस छोड़ के जाइए। दूसरा मेरा इस कैंपस में और डायरेक्टर वगैरह से आग्रह है कि आपके ट्रेनिंग के बहुत सारे क्षेत्र हैं, आपके यहाँ लाइब्रेरी है, सब है, लेकिन दो चीजों को आपकी ट्रेनिंग में जोड़ना चाहिए। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अच्छा लैब हमारे यहाँ होना चाहिए और हमारे सभी अफसरों को ट्रेनिंग का वो हिस्सा बनाना चाहिए। उसी प्रकार से एक डेटा गवर्नेंस एक थीम के रूप में
हमारे सारे ट्रेनिंग के ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए डेटा गवर्नेंस। आने वाला समय डेटा एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है, हमें डेटा गवर्नेंस की हर चीज को सीखना समझना होगा और जहां जाए वहां लागू करना होगा। इन दो चीजों को भी अगर आप जोड़े, ठीक है ये लोग तो जा रहे हैं उनको तो शायद नसीब नहीं होगा, लेकिन आने वाले लोगों के लिए होगा। और दूसरा, हो सके तो ये आपका जो कर्मयोगी मिशन चलता है उसमें डेटा गवर्नेंस का एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो, ऑनलाइन लोग एग्जाम दे सर्टिफिकेट प्राप्त करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो, उसको ऑनलाइन एग्जाम दे ब्यूरोक्रेसी के लोग ही एग्जाम दे सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो धीरे धीरे कल्चर आधुनिक भारत का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बहुत बहुत काम आएगा। साथियों, मुझे अच्छा लगता, मैं रूबरू में आपके बीच आता, कुछ समय आप लोगों के साथ बिताता और फिर कुछ बातें करता तो हो सकता है और आना आनंद आता, लेकिन समय के अभाव से पार्लियामेंट भी चल रही है तो कुछ कठिनाइयां होने के कारण मैं आ नहीं पाया हूँ, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी मदद कर रही है, आप सबके दर्शन भी मैं कर रहा हूँ, आपके चेहरे के हाव भाव पढ़ पा रहा हूँ और मेरे मन में जो विचार है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।